हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इवनिंग का रूटीन, इवनिंग में मैं क्या क्या करती हूँ, साथ ही जो स्पेशल सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ वो भी, उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मौसम बहुत ही सुहाना हुआ हुआ था, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गार्डन आ गई इवनिंग वॉक के लिए। बहुत ही गजब का मौसम हुआ हुआ है ये देखिए। और घर आने के बाद मैंने जो सब्जियाँ थी सारी जो पापा जी लेके आए थे वो सारी फ्रिज में रख दी। मैं सारी सब्जियाँ एक साथ नहीं धोती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से धोती रहती हूँ, तो उससे सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं। क्योंकि जब मॉइस्चर लगाओ, क्योंकि इस समय जो है बारिश का मौसम है, जल्दी से सब्जियाँ सूखती भी नहीं हैं। इसके बाद मैं डिनर की तैयारी के लिए किचन में आ गई हूँ और आज मैं आलू की स्पेशल सब्जी बनाने वाली हूँ, साथ में स्प्राउट्स भी बनाने वाली हूँ। मैं प्याज और टमाटर को कट करने के लिए ये वाला कटर लेती हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल रहता है मुझे और आसान भी रहता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है और साथ साथ ही जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी उससे पहले मैं ये आलू कट कर रही हूँ। आज मैं आलू फ्राई करके बनाने वाली हूँ, इसलिए थोड़े से बड़े पीस में कट कर रही हूँ। इससे पहले जो स्प्राउट्स हम बनाने वाले हैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने थोड़ी राई और प्याज कट करके इसमें डाल दिया है, टमाटर भी इसी में कट करके और इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मेरा प्याज अच्छे से भुन रहा है और साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। ये दोनों चीज़ें भुनेंगी जितनी देर, उतनी देर मैं आलू भी कट कर रही हूँ, साथ ही इससे अपना जो टाइम होता है वो भी बच जाता है। साथ ही दूसरी गैस पर मैंने ऑयल भी रख दिया है पोटैटोज़ को फ्राई करने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए हमारा आलू और प्याज अच्छे से कुक हो रहा है, साथ साथ ही मैं जो पोटैटो है उन्हें भी फ्राई कर लूँगी। तो पोटैटो फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं स्प्राउट्स का मसाला तैयार कर रही हूँ। स्प्राउट्स में जो मसाले जैसे नमक है, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें मैं मिक्स कर दूँगी ताकि जब हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें इसको डाल दें। तो ये लगभग भुन चुके हैं और अब इसमें मैं थोड़ी ही देर में स्प्राउट्स डाल दूँगी। साथ ही मैंने आलू को भी चेक कर लिया, आलू अभी बने नहीं थे और स्प्राउट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक के पकने रख देंगे। इस तरह से मल्टीटास्किंग करने की वजह से मेरा काम फटाफट हो जाता है किचन में, मुझे मुश्किल से आधा या पौन घंटा से ज़्यादा नहीं लगता। तो अब साथ साथ ही मैं ये जो ग्रेवी है इसके लिए भी प्याज और टमाटर जो है पीस के डालूंगी। ये हमारे पीस गए हैं टमाटर और प्याज और ये आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे। एक बैच और है आलू का, उसको डाल के फिर सब्जी बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने मसाला एक कटोरी में रख लिया था, इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच कर्ड मिला रही हूँ, ताज़ा कर्ड है ये। साथ ही धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक, ये बेसिक मसाले जो हम हर सब्जी में डालते हैं वो इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका मसाला मिक्स हुआ हुआ रहता है और आप फटाफट से सब्जी तैयार कर लेते हैं। साथ साथ ही थोड़ा बहुत जो मैसी हुआ हुआ था किचन, उसको भी मैं थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना आए। और यहाँ पर दूध भी आ चुका है, दूध बॉयल हो रहा है, स्प्राउट बन चुके हैं, इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको खाली करके रख देंगे। तो इसी कढ़ाई को मैं सब्जी बनाने में काम में ले लूँगी, इसको धो लेती हूँ पहले अच्छे से और उसके बाद, क्योंकि अगर आप पहले बिना धोए इसको लेंगे तो आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल जाएगी, मसाला भी जल जाएगा। तो इसी को मैं धो के काम में ले लूँगी, साथ साथ ही जो कांच के बर्तन रखे हुए हैं उन्हें भी धो के रख दूँगी। हमारे यहाँ मेड लगी हुई है तो मेड बर्तन वगैरह और सफाई के लिए आती है, बिना मेड के मेरा काम नहीं चलता क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और मैं एक साथ सारे काम नहीं कर पाती। साथ साथ ही मैंने आटा भी बना लिया है और यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच इसमें तेल डाला है, थोड़ी सी हींग, थोड़ी राई डाली है और जो मसाला आपको दिखाया था मैंने मिक्स करके वो इसमें डाल दिया। ये फटाफट अब जल्दी से रेडी भी हो जाएगा, देखिए कितना अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। और जब ग्रेवी 5-6 मिनट अच्छे से पक जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो सब्जी को उबलने में अभी 5 मिनट और लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ परांठे बनाने की। और आज हम लोग डिनर में परांठे और सब्जी खाने वाले हैं, तो मैंने परांठे के लिए आटा लगा लिया है
और तवा रख दिया है गैस पे, साथ साथ ही जो ये उबाला आ चुका था इसमें, और इसमें पोटैटो मैंने डाल दी है ताकि सब्जी साथ साथ बनती रहेगी और पराठे सिकते रहेंगे और सबको फटाफट मैं खाना दे दूँगी। मैं पराठे जनरली घी में ही बनाती हूँ और इससे थोड़ा सा कट कर लेती हूँ ताकि ये कुरकुरे बन जाए। तो ये लीजिए पहला पराठा तैयार होने वाला है, साथ साथ पराठे सिकते रहेंगे और सबका खाना लगा लगा के मैं देती जाऊंगी। सब्जी भी हमारी लगभग रेडी है और अब मैं यहाँ पर पास में अपने प्लेट भी पास में ही रख लेती हूँ ताकि फटाफट सबका खाना लगा दूँ और सबको देती जाऊँ। तो लीजिए बस प्लेट तैयार कर रही हूँ मैं दोनों बच्चों की, और इसमें मैं थोड़े से स्प्राउट भी रखूँगी ताकि बच्चे इसको अभी खा ले, अलग से बच्चे ये खाते नहीं हैं। तो ये मेरी बच्चों की दोनों की प्लेट रेडी है, मम्मी पापा को पहले ही दे दिया था मैंने, बच्चों को अभी मैं देने जा रही हूँ। सबको खाना देने के बाद मैं अपने काम में लग गई। ये इसकी दादा दादी और दोनों बच्चे ये दोनों खाना खा चुके हैं। एक रोटी मैं अपनी सेक रही हूँ, रोटी मुझे ज़्यादा ठीक लगती है, साथ में एक पराठा भी ले लिया है। और ये तो बाहर टूर पर गए हुए हैं, इनके ज़्यादातर टूर रहते हैं, तो आ जाइए आप लोग भी और मेरे साथ डिनर कीजिए। डिनर के बाद ये देखिए इतने सारे कपड़े मैंने सुबह जो धोए थे वो सारे मुझे समेट के अभी रखने हैं यहाँ। तो बच्चों से बातें करते करते साथ साथ ही मेरे कपड़े फटाफट सिमट जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। सिमटने के बाद मैं इन्हें अरेंज कर रही हूँ अलमारी में, थोड़ी मैसी हो रखी अलमारी, इसे सही करके और फिर सारे कपड़े इसमें अरेंज कर दूँगी। तो फ्रेंड्स अब वक्त है आप लोगों से विदा लेने का, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा मैनेजमेंट अच्छा लगा है, तो फटाफट इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉर्निंग में मैंने उठते ही कुछ टास्क लिख दिए थे एक स्लिप पे, तो उन पर अब टिक लगा रही हूँ। मेरी एक वीडियो एडिट होनी थी वो हो चुकी है, और यहाँ पर जो कपड़े आयरन करके और अरेंज करके रखने थे वो भी हो चुके हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है टिक लगाने में जब हमारा सारा काम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।